क्या मौसम है, मौसम के साथ वाटरफॉल। अभी तो एक बहुत खतरनाक वाटर क्रॉसिंग पे आ चुके हैं। काफी कठिन रास्ता है, ऊपर से नीचे का व्यू। तो गाइस आज का हमारा लंच ये है और हमारे सामने है वो व्यू, आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश व्लॉग। तो कैसे आप लोग, मेरे ख्याल से सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो गाइस फिर से आपको नई व्लॉग में स्वागत है। तो फाइनली मानसून आ चुका है, तो हमारा ब्लॉग होने वाला है जंगल और वाटरफॉल होने वाला है कुछ इस तरह का। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक वाटरफॉल है आप खोल बोलते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है अभी के लिए। और अभी जा रहे हैं, हम भी प्लान किए हैं और अभी निकल रहे हैं दोस्त लोग। तो कौन कौन जा रहे हैं आप सभी को दिखाता हूँ। और बहुत सुंदर वाटरफॉल है, बहुत मज़ा आएगा। आज की वीडियो पे बने रहें, चलो चलते हैं, निकलते हैं अभी यहाँ से। बरगढ़ से निकल चुके हैं और जय माँ समलई, चलते हैं अभी। भटली चौक से आपको इस तरफ जाना पड़ेगा और ये जाता है पदमपुर उस तरफ, और ये बरगढ़ टाउन अंदर, तो इधर जाना पड़ेगा आपको। ये छत्तीसगढ़ जाता है ये रास्ता। तो गाइस ये देख सकते हो, अभी हम पहुँच चुके हैं बरगढ़ के नाल, और अभी यहाँ से थोड़ा सा खाने के लिए कुछ लेंगे क्योंकि वहाँ पे कुछ मिलना मुश्किल है। अभी थोड़ा यहाँ से केला ले रहे हैं खाने के लिए। गाइस अभी यहाँ पे हमारा सुबह से चाय पानी नहीं हुआ था, अभी हो चुका है और यहाँ से अभी निकलेंगे। तो अभी थोड़ा सा हवा चेक करवा रहे हैं, बाइक पर थोड़ा सा हवा कम है इसलिए। थोड़ा डिफरेंट रास्ते पे आए हैं आज, और आप नाम सुन सकते हैं गाँव का, और ये रास्ते पे आप जब भी आइए आ सकते हैं, और भी डिफरेंट रास्ता है। थैंक यू बाबा। गाइस ये सरधापाली है, ये मे बी शायद लास्ट गांव है, इसके बाद आ जाएगा जंगल वगैरह और वाटरफॉल वगैरह। थोड़ा सा आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन रास्ता वगैरह मिलेगा, तो आपको पूछ के जाना है। और ऐसे तो हम भी आए हैं और ये शायद ये रास्ता जा रहे हैं, चलते हैं हम भी। ये पहला वाटर क्रॉसिंग हमारा। हाँ यही तो नेचर है गाइस, ये देख सकते हो धान का खेत लगा हुआ है यहाँ पे और पानी आया उधर से। ये हमारा बाइक आते हुए, पहली बाइक। ये हमारा सेकंड बाइक तो फंस गया, ओ निकल गया। हमारा थर्ड बाइक क्रॉस कर चुका है। ये हमारा सेकंड वाटर क्रॉसिंग। ऐसे आपको छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग मिलेगा। तो गाइस अभी हम करीब लोकेशन के करीब पहुंच चुके हैं, और मेरे साथ आज कौन कौन आए हैं और ब्लॉग में भी नए हैं, तो आप उन सभी को मिलाना चाहता हूं। और मेरे साथ हैं रेनू भाई, और ये मानस भाई ये देख सकते हैं, और आशीष भाई इधर, और हमारा सत्यजीत हीरो देख सकते हैं। और अभी चलते हैं आगे और बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। सो प्लीज
टू बी कंटिन्यूड यस डू लाइक सब्सक्राइब जय मां समली एंड फॉलो द चैनल सॉरी और एक बंदा है हमारे साथ में तो भूल गया और ये हमारा ये इसको तो पहचाने होंगे अजू ओ गाइस अभी तो एक बहुत खतरनाक वाटर क्रॉसिंग पे आ चुके हैं और आपको दिखाता हूँ देखिए ओ भाई साहब थोड़ा सा पानी का और ये हमारा थर्ड वाटर क्रॉसिंग है भाई साहब ये अंदर से पूरा पानी आ रहा है देख सकते हैं अभी यहाँ से क्रॉसिंग करेंगे जब बारिश आता है तो इधर पूरा फूल हो जाता है पानी पर जा भी नहीं होता उधर और ये इधर से रास्ता गया है कहाँ पता नहीं ये वाला रास्ता और अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं ये वाला नलीचुआ गांव से आएगा शायद और ये हम इधर से रास्ता आए हैं एक डिफरेंट रास्ता है अभी चलो चलते हैं ओ काफी खूबसूरत नजारा हाँ भाई हमारा क्रॉसिंग कर चुका है वाओ नाइस आ जाओ ए भाई चप्पल गया अजय चप्पल अजय जा पलाना जल्दी पलाना अरे भाई चप्पल गया भाई जल्दी अरे वाह मिशन सक्सेसफुल तो अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं यहाँ पे बाइक वगैरह रखने के लिए पड़ेगा आपको और ये बाइक स्टेशन है ये खाने पीने का कुछ मिल जाएगा आपको और एक बाइक का 30 रुपीस ले रहे हैं देख सकते हैं और ये इस रास्ते पे हम जाएंगे आगे और ये दूसरा कोई गांव जाता है खोजरिया जा रहा है भैया बोल रहे हैं अंदर तक जाएंगे और रेडी हैं हम अभी यहाँ पे थोड़ा कुछ खाना पीना कर चुके हैं क्योंकि भूख लग रहा था और अभी चलते हैं ब्लॉग में बने रहे जरूर क्या बोल छो एक नंबर और यहाँ पे पानी बोतल भी मिल रहा है तो पानी बोतल पकड़ना जरूरी है क्योंकि ट्रैकिंग में तो बहुत प्यास लगेगा Really, what a beautiful scene यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है आपको काफ़ी खूबसूरत जगह काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल देख सकते हैं आप फाइनली हम पहुँच चुके हैं आधा घंटे वॉकिंग के बाद और बाइक स्टैंड यहाँ पे था यहाँ का डिस्टेंस में भी 1 किलोमीटर है और यहाँ देख के पहुँच चुके हैं Oh my God! क्या खूबसूरत नज़ारा
गाइस अभी यहाँ से हम मतलब एक्सप्लोर कर चुके हैं थोड़ा बहुत, और अभी जा रहे हैं इस रास्ते से ऊपर। थोड़ा ये रास्ता ख़राब है, देख के जाना, और अभी चलते हैं ऊपर। ऊपर और ज़्यादा वाटरफॉल है अच्छा वाला, तो उधर ही जा रहे हैं अभी। और ये वाला थोड़ा सा हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, बहुत काफ़ी खूबसूरत है वाटरफॉल। मान ले चलो, थोड़ा काफ़ी कठिन रास्ता है। ऊपर से नीचे का व्यू कुछ इस तरह। पानी इधर से भी आ रहा है ऊपर से, और इधर से भी आ रहा है पानी, देख सकते हो। और एकदम वाटरफॉल पे जाके गिर रहा है पानी नीचे, ये देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर जगह है, वाओ, इसको बोलते हैं भाई जन्नत। काफ़ी खूबसूरत जगह। और आगे और जाएंगे, एक वाटरफॉल है बड़ा वाला, उसको देखने के लिए जाएंगे। तो गाइस आज का हमारा लंच ये है, मूढ़ी और ये चना प्याज। थोड़ा सा अभी रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी 1 किलोमीटर हम वॉक कर चुके हैं, 3-4 वाटर क्रॉसिंग के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ से थोड़ा ही दूर है और पहुँच जाएंगे हम बड़ा वाला आप खोल पे। फाइनली कुछ घंटों के बाद हम पहुंच चुके हैं वाटर, और हमारे सामने है वो व्यू, आप देख सकते हैं। वाओ, इसके लिए इतना ट्रैक करके आए थे गाइस, जन्नत है लिटरली, बहुत खूबसूरत। क्या मौसम है, मौसम के साथ वाटरफॉल की मज़ा, क्या खूबसूरत है भाई, लिटरली जन्नत है जन्नत। इसके लिए हम इतना ट्रैक करके आए हैं, काफ़ी खूबसूरत। क्या खूबसूरत नज़ारा, फाइनली हम वाटरफॉल के अंदर हैं।
आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। और रिटर्न की बात करें तो हम वहाँ से बाइक तक रिटर्न करते करते 2 घंटा लग गया और शाम भी हो चुका था। आप जब भी जाएं थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश कीजिए मॉर्निंग टाइम में, ताकि आपको रिटर्न के टाइम रात ना हो। और तो ये वाटरफॉल मैं भी नहीं देखा था और फर्स्ट टाइम देखा हूँ, बहुत सुंदर वाटरफॉल है। तो आप भी मेरे वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं और इस वाटरफॉल के लिए प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। और बाकी सब बढ़िया है। वीडियो में जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।